स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। मेरा नाम है जसीम खान और आप देख रहे हैं लेजेंड जैक व्लॉग्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आई लव पतातू वैली। तो हम लोग आए हुए हैं रांची के बहुत ही मशहूर वैली में, पतातू वैली में। और पतातू वैली बहुत ही खूबसूरत वैली है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खाई जिसको बोलते हैं, डीप रोड जो है इस तरह से जिलेबिया रोड है। आम जबान में हम लोग उसको जिलेबिया रोड बोलते हैं। तो जिलेबिया रोड पर ये बना हुआ पतातू वैली आप देख सकते हैं। इसका लोकेशन एकदम खूबसूरत सा, बिल्कुल नेचुरल है, पूरा नेचर से भरा हुआ, भरपूर नेचर। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, कैसी कैसी यहाँ पर लोग किस तरह से इंटरटेन कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स आते हैं यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए, मोटर बाइकर्स आते हैं जो यहाँ पर मोटर ब्लॉगिंग होती है, तो वो भी है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह का एक्टिविटी है लोगों का, क्या क्या यहाँ पर इंटरटेनमेंट करते हैं लोग। तो यहाँ पर आई लव पतातू वैली लिखा हुआ और ये देखिए पहाड़ और ऊपर भी रोड है समझे, और वो रोड इधर से निकलता है और फिर इस तरह से ये रोड घूमता हुआ, वहाँ से ऐसा घूमता हुआ ये इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। और इसी तरह से सारे रोड से यहाँ पर पानी पूरी देख करके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि इसको जो खाते हैं उसके मुंह में पानी आता है अगर वो कोई देख ले तो। डाब का पानी देखिए कितना गहराई है यहाँ पर, कैसी खाई है। और वहाँ पर पूरा धुंध है, पहाड़ पर पूरा धुंध है, कुहासा है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है इस तरफ में, पूरा धुंध है। और ये गहराई देखिए, यहाँ से पूरी गहराई है। देखिए वहाँ पर भी रोड है गाड़ी आती हुई। तो ये पॉइंट जो है वो बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, ये हार्ट शेप में रोड है और ये एक्चुअल में बहुत सारे लोग इसी शेप को देखने के लिए आते हैं। ये देखिए कि एक हार्ट शेप में ये रोड बना हुआ है खाई में, और ये चारों तरफ से इसकी खूबसूरती देखिए, कितना खूबसूरत व्यू है इसका। ये बिल्कुल नेचुरल पतातू वैली जो रांची में है और ये बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए दोस्तों कितने विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, सबके हाथ में कैमरा, सब फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे विजिटर्स हैं यहाँ पर, फोटोग्राफी वगैरह बड़े बड़े कैमरे लेकर के भी यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं सारे लोग। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं यहाँ पर जो आते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, सब प्रोफेशनल कैमरामैन हैं, सारे प्रोफेशनल कैमरामैन हैं यहाँ पर। फोटो वगैरह खींचते हैं यहाँ पर, फिर क्लियर करके देते हैं यहाँ पर, डेवलप करके फ़ोटो को डेवलप करके देते हैं। ख़ास तौर से ये हार्ट शेप में जो रोड है ये बहुत ही खूबसूरत व्यू इसका आता है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये व्यू वाकई में। अगर आप लोग झारखंड में रहते हैं और रांची के आसपास रहते हैं तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आए होंगे। और जो लोग झारखंड में हैं इस वैली से वाकई में सब लोग चाहते हैं कि एक बार आए। यहाँ पर एक डैम भी है नीचे में, तो हम लोग डैम की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं कि डैम कितना खूबसूरत है, कैसा दिखने में लगता है। ये माउंटेन देखिए, ये पहाड़ कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और धुंध है सारे पहाड़ वगैरह पे, धुंध है, ठंडे का मौसम है तो पूरा धुंध है, क्लियरिटी नहीं है, विजिबिलिटी बहुत कम है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो बहुत कम ही विजिबिलिटी है। लीजिए जिलेबिया रोड का मजा लेते हुए, और सामने से ट्रेलर आता हुआ, और हमारे आगे है एक बहुत ही मशहूर कार स्कॉर्पियो, और रजा भाई की ड्राइव का तो कहना ही क्या है, बेहतरीन ड्राइव करते हैं ये। और हमारे साथ है अकरम, एंजॉय करता हुआ। अकरम जो है हमारा गाइड है, जो हमें गाइड कर रहा है कि कैसे कैसे चलना है। रांची का लोकल लड़का, मूल निवासी है ये। और ये देखिए शानदार टर्न, क्या बात है। तो हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं डैम की तरफ, पतातू डैम जो है यहाँ पर, तो उसकी तरफ रवानगी है। बहुत ही नीचे खाई में वो डैम है।
तो दोस्तों 15 मिनट के ट्रैवल के बाद हम लोग आ गए हैं पतरातू डैम, और चलिए दिखाते हैं डैम की खूबसूरती। आप लोगों को देख करके आपका मन ललच जाएगा, इतना खूबसूरत ऐसा डैम है ये, वाकई में बहुत खूबसूरत है ये डैम। तो चलिए देखते हैं कि डैम में क्या क्या एक्टिविटी लोग कर रहे हैं, बोटिंग वगैरह कर रहे हैं आप लोग, और वाकई में बहुत खूबसूरत है ये डैम। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा डैम, और वाकई में अभी भी फॉग है हर तरफ, तो उधर का धुंध दिख नहीं रहा है। वहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कुहासा है, और डैम का जो एंड है वो डैम का एंड नहीं दिख रहा है, और लोग बोटिंग वोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी सारे यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर कुछ बच्चों के एक्टिविटी के लिए झूले वूले लगाए गए हैं। ट्रेन ड्रैगन ट्रेन है, और ये देखिए बोटिंग बर्ड जो है वो इस तरह से, बर्ड जो है वो मछली अपना पेट भरते हुए मछलियों को खाने के लिए। बर्ड का नाम मैं भूल रहा हूँ, फ्लैमिंगो बोलते हैं शायद, ये क्या बोलते हैं, फ्लैमिंगो बोलते हैं आई थिंक। तो ये बर्ड जो है ये फ्लैमिंगो बर्ड है, ये बत्तख की तरह दिखता है ये बर्ड, बिल्कुल बत्तख की तरह दिख रहा है आपको। और ये है ये पतरातू डैम, पतरातू वैली के बाद ये पतरातू डैम। एक स्टीमर है जो अभी जस्ट निकला है यहाँ से। 12:30 बज चुके हैं, 12:30 बजे देखें यहाँ पर किस तरह का क्राउड है। यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स आए हुए हैं पतरातू डैम में, बोटिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर लोग सारे, बोटिंग वगैरह हैं, बहुत सारे स्टीमर वगैरह जो चल रहे हैं, इधर में भी बोटिंग हो रही है। तो और वो फ्लैमिंगो बर्ड्स जो है वो वहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं भी एक बोट पर हूँ और मेरे साथ कुछ है। ये आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं सर, बोटिंग करते हैं क्या आप लोग? जी, बोटिंग कर रहे हैं। कब से आप लोग बोटिंग कर रहे हैं? हम लोग का वही हो गया 7 साल हो गया। 7 साल से जी। तो 7 साल से ही आप लोग इस डैम में बोटिंग वगैरह कर रहे हैं जी। कैसा है यहाँ पर विजिटर्स वगैरह, कैसे रहते हैं? बढ़िया है। अभी आपका जनवरी का महीना चल रहा है, ज़्यादा होता है अभी थोड़ा सा पिकनिक वाला माहौल है। लोग वहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, इसी पाँच ही इलाके का नहीं है, काफ़ी दूर से आते हैं। नहीं तो ये है, तो ये मेरे साथ, क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम अयाज आलम हुआ। अयाज आलम, तो ये हमारे साथ है अयाज आलम। तो और आप लोगों का नाम क्या हुआ? मेरा रोजिद अंसारी है। हाँ, अरमान रजा। मेरा नाम उत्तम कुमार सिंह है, घूमने के लिए आए। अच्छा, आप घूमने के लिए आए हैं। बहुत स्पीड में एक बोट आ रही है, इतना खूबसूरत ऐसा इसका व्यू लग रहा है। ये देखिए लहराती हुई, वाह क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। हमारे साथ अकरम, अकरम यहाँ का मूल निवासी। तो अकरम क्या क्या है, कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? अनगिनत, अनगिनत नहीं। अकरम जो है वो मोटर ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसका फेवरेट जो हॉबी है वो मोटर ब्लॉगिंग का है। तो ये बहुत जल्द ही मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला है, तो देखते हैं कि इसका मोटर ब्लॉगिंग और इसका मोटर ब्लॉगिंग का चैनल कब आता है। और जल्दी से जल्दी आओ यार मोटर ब्लॉगिंग के, जल्दी आऊँगा मैं, ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, तो मोटर ब्लॉगिंग का चैनल उनल जल्दी लेकर आओ, ताकि मैं फिर एक मोटर ब्लॉगिंग का कंटेंट मुझे मिल जाए, कि तुम्हारे साथ में छोटे मोटे राइड भी कर लूँ। तो इसके मोटर ब्लॉगिंग का मुझे इंतज़ार रहेगा, जल्दी लेके आने वाला है। तो उसके बाद देखेंगे कि इसका मोटर ब्लॉगिंग मैं पर्सनली प्रमोट करूँगा इसका चैनल अपने व्लॉग पर। तो यहाँ पर ये हो गया डैम, बोट वोट वहाँ पर लगे हुए हैं किनारे पर, और यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, बच्चों के झूला है, ड्रैगन ट्रेन है, डिस्को डांस बोलते हैं शायद इसको, वो है। और ये पूरा पार्किंग का एरिया है, ये सारे कार पार्किंग का एरिया है। तो ये कार पार्किंग हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा ये वीडियो देख करके मेरा, जहाँ पर मैंने दिखाया आप लोगों को पतरातू वैली और ये डैम पतरातू है डैम। तो काफ़ी मज़ा आया होगा आप लोगों को, इंटरेस्टिंग वीडियो रही ये हमारी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।